व्हाट्सअप गाइस, मेरा नाम है रौनक पॉल एंड आप देख रहे हो एथिकल हैकिंग कोर्स वो भी अपना लैंग्वेज हिंदी में। गाइस, मैं इस वीडियो में प्रैक्टिकली आपको बताऊंगा कि एआरपी पॉइजनिंग या एआरपी स्पूफिंग अटैक आप कैसे परफॉर्म कर सकते हो। इसके पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैन इन द मिडल अटैक करने के लिए आप एआरपी पॉइजनिंग कर सकते हो एंड उसका प्रैक्टिकली सेशन मैं इस वीडियो में दिखाऊंगा एंड उसका थ्योरिटिकली वो कैसे काम करते हैं मैं पिछले वीडियो में मैंने आपको बता चुका हूँ। तो गाइस, एआरपी पॉइजनिंग अटैक परफॉर्म करने के लिए, इसको प्रैक्टिकली दिखाने के लिए मैं यहाँ पे दो डिवाइस यूज कर रहा हूँ, एक है विक्टिम एंड एक है हैकर। एंड गाइस, मेरा वर्चुअल बॉक्स के अंदर आपको पता है मेरा दो डिवाइस है यहाँ पे, एक है काले लिनक्स जो मैं हूँ, जो मैं हैकर हूँ, एंड मेरा टारगेट है विंडोज, जो दोनों ही आपस में नेट नेटवर्क के तो कनेक्टेड है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो है ये मेरा विंडोज मशीन है जो मेरा विक्टिम है एंड मैं काले लिनक्स चला रहा हूँ एंड दोनों ही कंप्यूटर, दोनों ही डिवाइस आपस में नेट नेटवर्क के थ्रू, वर्चुअल नेट नेटवर्क के थ्रू आपस में कनेक्टेड है। गाइस, अगर आप कोई भी वाईफाई के साथ कनेक्टेड हो तो भी इसका जो प्रोसेस होगा सेम होगा। ओके फ्रेंड्स, तो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे मैं चेक कर लेता हूँ मेरा जो टारगेट है उसका आईपी क्या है। तो मैं यहाँ पे कमांड देता हूँ एआरपी, इसका एक्चुअली एआरपी टेबल में मैं चेक कर लेता हूँ, ये मेरा टारगेट मशीन है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो एआरपी करके अगर मैं माइनस ए किया तो यहाँ पे एआरपी टेबल इसका आ गया, ठीक है। एंड इसका इंटरफेस भी आ गया, मतलब इसका जो आईपी है ये भी यहाँ पे शो कर गया 10.0.2.15, ठीक है। अगर आपको पता करना है नेट तो उसके बारे में मैं पहले आपको बता चुका हूँ, नेट डिस्कवर वगैरह के बारे में। एंड इसके बाद मैं यहाँ पे अगर अपना ईआरपी टेबल चेक करता हूँ तो यहाँ पे मेरे को गेटवे शो कर देगा, ईआरपी माइनस ए करता हूँ टर्मिनल में, उसके बाद मैं एंटर करता हूँ तो यहाँ पे आएगा अभी। तो गाइस, आप देख सकते हो यहाँ पे गेटवे लिख के आ गया 10.0.2.1, जो हमारा गेटवे है, इसका गेटवे भी वही है एंड ये जो वर्चुअल मशीन है उसका गेटवे भी सेम है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो गेटवे है, एक्चुअली गेटवे किसका होता है, राउटर होता है या कोई अगर वहाँ पे कोई हब होता है तो वो हमारा गेटवे होता है, ठीक है ना। तो ये मेरा एक्सेस पॉइंट है जिसका गेटवे, जिसका आईपी हमें पता चल गया। मान लीजिए ये गेटवे जो है एक राउटर का गेटवे है, ठीक है, ये 10.0.2.1 एक राउटर का एक्सेस पॉइंट का आईपी है। एंड यहाँ पे आप यहाँ इसका मैक आईडी देख सकते हो 52, उसके बाद -54, तो यहाँ पे इसका मैक आईडी भी है। तो यहाँ पे हम लोगों को गेटवे मिल गया, गेटवे मतलब एक्सेस पॉइंट या राउटर, ठीक है। तो हमको यहाँ पे कमांड देना पड़ेगा, हम मेरे को तो पता है मेरा टारगेट का आईपी क्या है एंड कैसे पता किया जाता है, मैंने पहले आपको बता चुका हूँ। इसके बाद यहाँ पे आपको कमांड देना पड़ेगा एआरपी स्पूफ देना पड़ेगा, इसके बाद आपको करना पड़ेगा एक छोटा सा स्पेस, उसके बाद माइनस आई, ठीक है। आई के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग इथरनेट केबल के थ्रू कनेक्टेड है आपस में, तो जैसे आप यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा ETH, उसके बाद आपको करना पड़ेगा 0, ठीक है, ETH 0, ठीक है। तो उसके बाद देना पड़ेगा आपको एक छोटा सा स्पेस, उसके बाद -T, ये टारगेट को यहाँ पे हमको टारगेट का आईपी मेंशन करना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आपको टारगेट का आईपी मेंशन करना है। तो हमारा टारगेट का आईपी क्या है, टारगेट का आईपी है हमारा, ये देख लीजिए, ये इसका इंटरफेस है 10.0.2.15, ठीक है। तो मैं यहाँ पे टारगेट, हमारा टारगेट का आईपी यहाँ पे दे देता हूँ 10.0.2.15 10.0.2.15, ठीक है फ्रेंड्स। मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, इसमें हमको क्या करना पड़ेगा ना, पहले पिछले वीडियो में मैंने आपको थियोरिटिकली बता दिया था, हमको टारगेट को बताना होता है कि मैं राउटर हूँ एंड मेरे राउटर को बताना होता है मैं टारगेट हूँ। इट मीन्स मैं विक्टिम को बताऊंगा मैं राउटर हूँ एंड राउटर को मैं बताऊंगा मैं विक्टिम हूँ, ताकि टारगेट जो मेरा है, जो मेरा विक्टिम है, वो जो भी डेटा पैकेट राउटर के लिए भेजे वो मेरे पास आए एंड मेरा राउटर जो है वो जो भी डेटा पैकेट भेजेगा विक्टिम के लिए वो मेरे पास आए, ठीक है। तो इसमें क्या होगा ना, यहाँ पे मैंने टारगेट का आईपी दे दिया एंड टारगेट को मैं बताऊंगा मैं राउटर हूँ। तो राउटर का या गेटवे का आईपी क्या है, 10.0.2.1, ठीक है। तो यहाँ पे टारगेट का होगा 10.0.2.1, ठीक है, ये तो एक हो गया, ठीक है। इसके थ्रू मैंने उसको तो ये बता दिया कि ये जो आईपी है गेटवे का 10.0.2.1,
उसमें मेरा मैक आईडी है, मैं राउटर हूँ, ठीक है। ये मेरे टारगेट का आईपी को मैं बता रहा हूँ, ये जो आईपी है ये आईपी मेरा है, तो वो सोचेगा ये तो राउटर है मेरे, ये तो गेटवे है, तो अच्छा ये गेटवे है, इसका मैक आईडी क्या है, मेरा मैक आईडी है, तो ये मेरे को सोचेगा मैं राउटर हूँ, ठीक है। तो इसमें क्या है, मैंने यहाँ पे फर्स्ट लिखा ERP स्पूफ स्पेस माइनस आई, उसके बाद स्पेस ETA 0, क्योंकि इथरनेट कनेक्शन के थ्रू ये सारा डिवाइस कनेक्टेड है, नेट नेटवर्क हेतु वर्चुअली। उसके बाद अगर यहाँ पे मान लीजिए वाईफाई के थ्रू अगर आपका कनेक्टेड है, तो आपको सिंपली इसमें लिखना पड़ेगा WLAN 0। ओके गाइस, तो इसके बाद मैंने दिया छोटा सा स्पेस, उसके बाद माइनस टी, उसके बाद दोबारा स्पेस, उसके बाद मैं टारगेट का आईपी यहाँ पे लिखा, टारगेट को मैं बता रहा हूँ ना, तो उसका आईपी मैंने यहाँ पे लिखा, एंड मैं बता रहा हूँ ये जो गेटवे का है, ये गेटवे मेरा मेरा मतलब ये जो गेटवे का आईपी है, ये इसका मैक आईडी मेरा है, ठीक है। तो मैं गलत मतलब झूठ बोल रहा हूँ मेरा टारगेट को, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 10.0.211 मैंने लिख दिया। तो हमको तो ये भी करना पड़ेगा ना कि राउटर को भी बताना पड़ेगा कि मैं विक्टिम हूँ, ताकि राउटर जो भी डेटा पैकेट विक्टिम के लिए भेजेगा वो मेरे पास है। तो मैं दूसरा और एक टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ, तो मैं यहाँ पे कर लिया नया न्यू टैब, एंड न्यू टैब करने के बाद मैंने यहाँ पे लिखा ARP SPOOF ARP स्पूफ, उसके बाद स्पेस माइनस सॉरी माइनस आई, उसके बाद एक स्पेस ETH, उसके बाद एक्चुअली फ्रेंड्स यहाँ पे मेरा कीपैड में थोड़ा प्रॉब्लम आ गया, तो मैं वर्चुअल कीपैड यूज़ कर रहा हूँ, उसके बाद ETH 0, उसके बाद स्पेस देखिए आपको लिखना पड़ेगा -T। इस केस में गाइस टारगेट कौन है, इस केस में टारगेट हमारा है एक्सेस पॉइंट या राउटर या गेटवे, ठीक है ना, क्योंकि गेटवे को मैं बताऊंगा झूठ, गेटवे को बताऊंगा कि मैं विक्टिम हूं, ठीक है, ताकि वो विक्टिम के लिए जो भी डेटा भेजेगा वो मेरे को भेजेगा। तो विक्टिम तो राउटर के जो आईपी में जो मैक एड्रेस मैक हो मैप होगा वो मेरा मैक एड्रेस मैप हो जाएगा उसमें, है ना। तो मैं यहाँ पे टारगेट में यहाँ पे लिखूंगा मेरा राउटर का या एक्सेस पॉइंट का या गेटवे का आईपी जो है 10.0.2.1, उसको मैं यहाँ पे आईपी लिख दूंगा 10.0.2.1, ठीक है। इसके बाद मैं स्पेस दूंगा, एक स्पेस देने के बाद मैं क्या बताऊंगा ना, विक्टिम मैं हूं, ठीक है। तो विक्टिम के आईपी में मैं मेरा मैक आईडी में टारगेट टारगेट राउटर में मैं मैप करना चाहता हूँ, तो इसमें मैं विक्टिम का आईपी दूंगा, ठीक है। तो विक्टिम का आईपी क्या है, 10.0.2.15, ठीक है ना, आप देख लो फिर दोबारा, यहाँ पे आप देख सकते हो विक्टिम का मैक आईडी है 10.0.2.15। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा 10.0.2.15, ओके। तो गाइस यहाँ पे अगर आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन आ रहा है, मैं तो दोबारा आपको बता देता हूँ एक्चुअली मैंने यहाँ पे क्या किया। मैंने गाइस यहाँ पे मेरा टारगेट जो मेरा विक्टिम है, अब इस डायग्राम में देख लो, ये है विंडोज मशीन, तो मैं विंडोज मशीन को मैं बता रहा हूँ कि मैं विंडोज को तो पता है ना गेटवे का आईपी क्या है, ठीक है, मैं बस गेटवे का आईपी में मेरा मैक आईडी उसमें मैप करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं विक्टिम को ये देर बता रहा हूँ कि मैं राउटर हूँ, ठीक है। तो क्या होगा इसमें देखिए, मैं यहाँ पे क्या किया, मैं टारगेट को टारगेट के जगह मैंने विक्टिम का मैक आईडी यूज़ किया, टारगेट को मैं विक्टिम को बता रहा हूँ कि ये जो गेटवे का आईपी है, ये गेटवे का तो आईपी आपको भी पता है गेटवे का आईपी है, बट इसका मैक आईडी मेरा मैक आईडी है, ठीक है, बस हो गया। तो उसमें वो क्या होगा ना, 10.0.2.1 में वो मेरा मैक आईडी मैप कर देगा, एंड ये दूसरा मैं राउटर को बता रहा हूँ सेम चीज, तो मैं राउटर के आईपी के जगह मैं टारगेट के आईपी के जगह मैं राउटर का आईपी यूज़ किया, एंड मैं उसको ये बता रहा हूँ जो विक्टिम है उसका मैक आईडी मेरा है। तो यहाँ पे मैंने 10.0.2.15 लिख दिया, इसके बाद मैं यहाँ पे भी एंटर कर देता हूँ, तो ये प्रोसेस चालू हो जाएगा यहाँ पे, एंड यहाँ पे भी एंटर कर देता हूँ, तो ये चालू हो गया। तो ये कॉन्स्टेंट ERP पैकेट भेजता रहेगा, ओके, ये भी भेज रहा है, वो भी भेज रहा है, ठीक है। तो इसके बाद मैं क्या करूँगा, इसके बाद गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो, आपको और एक चीज़ दिखा देता हूँ मैं, आप ये
ERP टेबल मेरा टारगेट का देखे होंगे, मैंने पहले आपको दिखाया। अभी दोबारा इसमें ERP टेबल चेक करते हैं, देखते हैं क्या ये अपडेट हुआ है। ये है ना 10.0.2.1 जो इसका एक्सेस पॉइंट या राउटर को जो IP है, क्या ये MAC ID चेंज हुआ है कि नहीं। तो मैं दोबारा करता हूँ, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो है 10.0.2.1 में मेरा MAC ID यहाँ पे अपडेट हो गया इसके MAC ID में, मैं इसके ERP टेबल में। पहले क्या था, पहले था ओरिजिनल जो इसका एक्सेस पॉइंट या राउटर जो भी है गेटवे उसका ID MAC ID। तो अभी मैंने इसको इसके जो ERP टेबल है उसमें मेरा MAC ID यहाँ पे एंटर करवा दिया। तो ये जो भी डेटा पैकेट 10.0.2.1 के लिए भेजेगा डायरेक्टली किसके पास आएगा, मेरे पास आएगा। एंड मैं राउटर को भी बता दिया जो एक्सेस पॉइंट है उसको भी मैं मेरा MAC ID मैप करवा दिया। तो वो जो भी डेटा पैकेट विंडोज मशीन के लिए भेजेगा वो किसके पास आएगा, मेरे पास आएगा, ठीक है ना। एंड गाइस इसके साथ मैं और एक चीज़ आपको बता देता हूँ, और एक चीज़ आपको, काम अभी तक पूरा ख़त्म नहीं हुआ है गाइस। एक ध्यान रखने वाली चीज़ ये है कि हमारा जो सिस्टम है ये एक वाईफाई कोई भी राउटर नहीं है। जैसे आप देख सकते हो कि ये जो है मेरे पास तो पैकेट आ रहा है, ठीक है ना, बट अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे पास आके फिर वो राउटर के पास जाए एंड राउटर से मेरे पास आके फिर वो विक्टिम के पास जाए, अगर मैं फ्लो को कंटिन्यू रखना चाहता हूँ तो हमको यहाँ पे करना होता है पोर्ट फॉरवर्डिंग, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कमांड देता हूँ काले लिनक्स में ECHO, आप कमांड को नोट डाउन कर सकते हो। उसके बाद आपको लेना होगा एक वन, उसके बाद स्पेस, उसके बाद यहाँ पे करना ये ग्रेटर देन, उसके बाद यहाँ पे करना स्लैश, उसके बाद लिखना PROC, उसके बाद एक स्पेस, उसके बाद सॉरी स्पेस नहीं देना आपको स्लैश, उसके बाद करना SYS, उसके बाद स्लैश, उसके बाद NET, उसके बाद आपको करना है स्लैश, उसके बाद IPv4, उसके बाद आपको करना है दोबारा स्लैश, उसके बाद IP_FORWAD, उसके बाद करना है आपको एंटर। सॉरी फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे थोड़ा गलती कर दिया, 4WARD होगा, ओके ना। तो मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया तो ये फॉरवर्ड हो गया। तो इसमें क्या होगा, इस कमांड से क्या होता है, इस कमांड से गाइस यही हुआ, जो भी डेटा पैकेट मेरे पास आया, ठीक है, वो उसको मैं अलाउ किया राउटर में जाने के लिए, राउटर से मेरे पास जो आएगा मैं उसको विक्टिम में भेजूंगा। तो मैं एक फ्लो को जो है वो उसको कंटिन्यू रखूंगा डेटा पैकेट का, है ना, इसीलिए मैंने इस कमांड को दिया। तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो मैंने राउटर को ये बताया कि मैं, सबसे पहले मैंने विक्टिम को ये बताया कि मैं राउटर हूँ। तो उसने क्या किया ना, राउटर के IP के साथ मेरा MAC ID को मैप कर दिया। एंड सेम केस मैंने राउटर के साथ भी किया, राउटर को मैंने बताया मैं विक्टिम हूँ, तो वो जो विक्टिम का IP है उसमें मेरा MAC ID मेंशन कर दिया, मतलब मैप कर दिया एक्चुअली, ठीक है। सो गाइस आई होप कि आपको समझ में आया कि कैसे ERP स्पूफिंग अटैक को प्रैक्टिकली किया जाता है। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। सो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, टेक केयर, बाय बाय।